दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैकिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल जो हैकिंग है वो बहुत जोरों शोरों से चल रही है, तो इसके बारे में सबको हर जानकारी लेना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी हैकिंग के बारे में, किस तरह से लोग हमारे बहुत सारी चीज़ों को हैक कर ले रहे हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, ईमेल आईडी, जीमेल, सब कुछ। तो आपको इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी है तो भी आप इस वीडियो को देखिए, हो सकता है कि आपको उस चीज़ के बारे में ना पता हो जो मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि मैं अपने चैनल पर जितनी भी वीडियो डालता हूँ अक्सर मैंने क्यूनेट स्कैम के बारे में वीडियो डाली है। अगर आपको क्यूनेट स्कैम नहीं पता है तो आप सबसे पहले उसे जाकर देखें, क्योंकि ये बेहद जानना आपके लिए ज़रूरी है कि क्यूनेट क्या है। क्योंकि ये क्यूनेट जो है ना, ये आपके खास दोस्त रिलेटेड जो है ना, वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, और आपके जो मतलब जो जिगरी दोस्त हैं वो लोग धोखा कर रहे हैं। तो किस तरह से वो लोग क्या कर रहे हैं वो आपको हमारे क्यूनेट वाले वीडियो में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और देखिए। तो अभी मैं आपको अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से जो जीमेल आईडी वगैरह हैक हो रहा है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा फेसबुक से। जो फेसबुक है उसको हैक करके आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जो कोई भी हो जो हैकर है वो फेसबुक हैक कर ले रहा है। अगर आपका कोई फेसबुक हैक कर लिया तो फेसबुक हैक करने के बाद ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि आपके जो रिलेटेड दोस्त हैं, यार हैं, जिससे आप ज़्यादा चैटिंग वगैरह किए हो, जिससे ज़्यादा आप क्लोजली हो, उनसे ये लोग पैसे की मांग करते हैं, अपनी अर्जेंट दिखा के मुझे ये प्रॉब्लम वगैरह वगैरह। उनको लगेगा कि आप ही हो, लेकिन वो पैसा भेजे या ना भेजे उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस तरह से कई लोगों को ये लोग फंसा ले रहे हैं। दूसरी हैकिंग अगर मैं बात करूं तो व्हाट्सअप की, तो व्हाट्सअप पे तो लोग व्हाट्सअप को हैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग लिंक प्रोवाइड करके कुछ भी ऐरा गहरा लिंक डाल दे रहे हैं और कुछ भी लोग देख के उस पर क्लिक कर देते हैं। तो अगर आपको कोई खास आदमी जो आपका जान पहचान है वो इसने कोई लिंक अगर भेजा है तो अलग बात है, लेकिन अगर अननोन नंबर से कोई लिंक आ रहा है आप बिना जाने उस पर क्लिक कर दे रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आजकल हमारा मोबाइल जो भी हम यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल को, उसमें अपना हर चीज़ रख रहे हैं, हर डाटा, हर चीज़, यहाँ तक कि हम अपने बैंक का ट्रांजैक्शन भी उसी से कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ बहुत सोच समझ के चलना है कि हम अपने मोबाइल को कैसे यूज करें। दूसरी चीज़ तो आपको जो अगर मान लीजिए कि व्हाट्सअप वगैरह है, तो आजकल लोग बार कोड का भी यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आप जैसे भीम ऐप है, गूगल पे है, ऐसा बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो उस पर अगर आप मान लीजिए यूज कर रहे हैं तो कई लोग क्या कर रहे हैं, स्कैम करके बार कोड एक जनरेट कर दे रहे हैं, जिससे पैसा कटने की वजह मतलब आपके अकाउंट में आने की वजह आपके अकाउंट से ही चला जाता है। तो बार कोड कई लोग भेज के बोलेंगे कि ये बार कोड है हमारा, स्कैन कर लीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा, जबकि ये उल्टा होता है, आपके ही अकाउंट से कट जाता है। तो ये सब चीज़ पर भी आपको ध्यान देना है। तीसरी चीज़ तो मैं अगर आपको बताऊँ तो आपका जीमेल आईडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हैकिंग से बचाना, क्योंकि जीमेल आईडी से ही हमारा हर चीज़ लिंक है, यहाँ तक कि बैंक से लेकर मोबाइल वगैरह हर चीज़ पर जीमेल आईडी आजकल कंपलसरी हो गया है। तो जीमेल आईडी को सिक्योर करना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आप एक छोटा सा कदम भी उठा सकते हैं, जैसे कि आप अपना पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिए बदल के। दूसरा चीज़ कि आप टू स्टेप वेरीफिकेशन लगाइए। टू स्टेप वेरीफिकेशन क्या होता है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ढेरों वीडियो मिल जाएगी आपको। दूसरी चीज़ कि अगर मान लीजिए कि आप टू स्टेप वेरीफिकेशन लगा दिए, सब कुछ कर दिए, फिर भी आपका ये हैक हो सकता है, क्यों हो सकता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका ईमेल आईडी है, उस पर बहुत सारे अननोन नंबर से, अननोन ईमेल आईडी से आपको मेल आएगा और बोला जाएगा इस लिंक पे क्लिक करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो अगर बिना जाने आप किसी भी लिंक पर क्लिक करते हो तो ये हैकिंग का सबसे बड़ा फिशिंग है, मतलब आपको फंसाने का तरीका है, या फिर आपको लालच देकर। आजकल जो लालच देकर फंसाने वाला जो ट्रेंड है वो बहुत पुराना हो चुका है, आपकी लॉटरी लग गई है, ऐसा वैसा, तो ये लगभग ज़्यादातर लोग समझ चुके हैं। तो ये हैकर्स भी बहुत अच्छी अच्छी नई नई आइडियाज़ को लगाते रहते हैं लोगों को फंसाने का, ताकि लोग फंसे। तो आपको इस चीज़ का बेहद ज़्यादा ध्यान रखना है और आपको हैकिंग से बच के रहना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए आप ईमेल यूज कर रहे हो या फिर आप जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो उसमें और भी बहुत से तरीके हैं जिससे लोग हैकिंग कर सकते हैं। जैसे कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एप्लीकेशन का। अभी आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे एप्लीकेशन वगैरह हैं जी, बहुत सारी अननोन एप्लीकेशन है जो गूगल से ऐसे ही फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं लोग, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता है कि कोई भी एप्लीकेशन हम अगर गूगल से डाउनलोड कर रहे हैं तो वो बेहद ही रिस्की हो जाता है, क्योंकि उस पर गूगल जो है, गूगल पर बहुत सारी चीज़ें अननोन हैं। आप अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो तो उस पर थोड़ी बहुत सिक्योरिटी तो होती है, जब कम से कम इतना तो सिक्योरिटी होता है कि आपका कोई भी प्राइवेसी जो है, उस जो पर्सनल डाटा है वो तो हर एप्लीकेशन आजकल ज़्यादातर लोग रखते ही हैं, लेकिन कम से कम आपका जो बैंक डिटेल्स वगैरह है ये सब तो सिक्योर रहता है। लेकिन आप वहीं अगर गूगल से डाउनलोड कर लेते हो तो वो उसमें क्या नियम रखा है, क्या फीचर रखा है, उसकी क्या परमिशंस है, वो किसी को नहीं पता है।
और आप भी उसको पढ़ते नहीं हो, आप सेलेक्ट करके फटाफट उसको चालू कर लेते हो। तो ये चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है। अगर आप मोबाइल से ट्रांजेक्शन करते हो, अगर आपका एक खाता है जिसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, तो सबसे पहला काम तो उस खाते में आप ज़्यादा पैसा रखो ही मत, क्योंकि हम कितनी भी सिक्योरिटी बरत लें, हमारा एक कहीं से छोटा सा गलती हमारा पूरा जीवन का पैसा बर्बाद कर सकता है। तो आपको सबसे पहले तो करना ये है कि आप जो भी सेविंग रखे हो उसको किसी और अकाउंट में रखो। और दूसरी चीज़, आप जिस चीज़ से ट्रांजेक्शन करो उसमें थोड़ा बहुत पैसा रखो, अपना मंगाओ, फिर अपना काम करो, फिर ख़त्म, ऐसे करके अपना ट्रांजेक्शन करो। आपको ये करना बेहद ज़रूरी है, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आपको ये करना बहुत ज़रूरी है, आपको दो खाता रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपके साथ कोई भी ऐसी घटना घटी है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो पूरा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।